अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला किचनेट। आज हमारे किचन में बन रहा है, बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश पे और ख़ासकर मेरी प्यारी सिस्टर साइमा समीर की फरमाइश पे, हरीसा। ये अमरतसरी हरीसा है और ये बहुत अच्छी और रेसिपी है, ये बहुत पसंद आएगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी लाइक और शेयर करें। इसमें चाहिए 1 kg बीफ, 1/2 kg कबाब के लिए और 1/2 kg हरीसे के लिए, और 400 ग्राम ये है दलिया जो मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया था, और 3 tablespoons है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें ये ज़्यादा जाएगा, और 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon लाल मिर्च, 1 teaspoon पिसा धनिया, 1 teaspoon गरम मसाला पिसा, और 2 teaspoon काली मिर्च। अब हम अपना प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम अपना बीफ ऐड करेंगे 1/2 kg। ये प्रेशर कुकर में गलेगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त चाहिए। ये तकरीबन 1 घंटा लेगा प्रेशर कुकर में, इसलिए कि ये अच्छी तरह से गल जाए और इसका एक एक रेशा अलग हो जाए। इसमें जाएगा 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon लाल मिर्च, 1 teaspoon पिसा धनिया, 2 teaspoon काली मिर्चें, 1 teaspoon पिसा गरम मसाला, 3 tablespoons लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके हम फ्लेम पे रख देंगे। याद रहे आपको, आपने इसको 1 घंटा के लिए प्रेशर कुकर में पकाना है, जब विसल बज जाए उसके बाद 1 घंटा। अच्छी तरह से प्रेशर कुकर को चेक कर लें और चेक करके इसको बंद करके अब फ्लेम पे रख दें पकने के लिए। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम अपना दलिया कुक करेंगे। ये दलिया हमने लिया जो मैंने रात को भिगो दिया था, रात को इसीलिए भिगोते हैं कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, और इतना पकाते हैं इसको कि इसका अंदर का एक एक दाना तक गल जाए। ये तकरीबन 30 से 45 मिनट लेगा पकने में। इसमें भी आपने पानी ज़्यादा ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि ये गलने में टाइम लेता है, लेकिन चूँकि ये रात का भीगा हुआ है लेकिन ये कम टाइम लेगा। इसको भी हमने अलग से फ्लेम पे रख देना है। अब हम अपना चॉपर लेंगे कबाब बनाने के लिए। चॉपर में हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज, 5 हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं इसलिए मैंने 5 ली हैं, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये 1 अदरक का टुकड़ा है इसमें। अब इसको हम चॉप कर लेंगे, ये चॉप हो गया। अब इसमें हम अपना बीफ शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon काली मिर्च, 1/2 teaspoon इसमें जाएगी लाल मिर्चें पिसी हुई, 1/2 teaspoon। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखें हमारा दलिया पक रहा है, ये अभी फुल कुक नहीं हुआ, ये अभी हाफ डन हुआ है। ये देखें अभी इसका दाना थोड़ा सा मोटा है, अभी हम इसको और ज़्यादा कुक करेंगे। अब हम अपने कबाब बना लेंगे। कबाब बनाने के लिए हम अपने कटिंग बोर्ड पे ऑयल लगाएंगे और इस पे फिर हम अपने कबाब इजीली बना लेंगे। ये देखें ऐसे थोड़ा सा मैंने कीमा लिया,
मैं इस तरह कबाब बना रही हूँ, आपको अगर और कोई आसान तरीका है तो आप वैसे भी बना सकती हैं, लेकिन मुझे ये बहुत इजी लगता है। ये देखें, हम एक लंबा सा कबाब बना लेंगे, और लेकिन और इसमें बारीक कबाब हमने बनाने हैं, छोटे छोटे और बारीक। हरीसे में हमेशा छोटे कबाब होते हैं और पतले कबाब होते हैं। ये देखें, अब इसको मैं छुरी से कट कर लूँगी, पीसीस में कर लूँगी इसमें। चले, इनको अलग अलग से हम थोड़ा सा रोल करेंगे और ये शेप में आ जाएंगे। ये देखें जी, शेप हो गई है उसकी, बड़ी अच्छी सी है और बहुत इजीली। इसमें ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से कबाब जाते हैं जो हर बाइट में आते हैं और आपको बहुत मज़ा देते हैं। अगर आप अलग से छोटे छोटे बनाने चाहते हैं एक एक, तो फिर छोटा सा बैटर लेंगे और एक एक छोटा बना लेंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वैसे बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारे आधा किलो बीफ में ये कितने सारे कबाब बन गए हैं। ये देखें, दो डिशें भर गई हैं। अब इनको हम कुक कर लेंगे। एक पैन में मैंने पानी रखा है, बॉयल हो गई है, इसमें हम अपने कबाब ऐड कर देंगे। इन कबाबों को फ्राई नहीं करना हमने, हमने इसको पानी में बॉईल करना है, और पानी हमने उतना लेना है जिसमें ये कबाब गल जाए और पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल। ये मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है, मैं इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी। अब इनको हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है चम्मच से, क्योंकि इनके टूटने का ख़तरा है। बिल्कुल सॉफ्ट से इसको हिला दें, मिक्स कर। कबाब हमारे बॉईल होना शुरू हो गए हैं, अब इनको हम ढक देंगे। ये हमारा बीफ हो गया है, पूरा घंटा हमने कुक किया, और इसको मैंने चॉपर में इसको कर लिया। अगर आप में हिम्मत है तो आप मधानी से भी इसको घोट सकती हैं, लेकिन मैंने चॉपर में कर लिया और बिल्कुल छोटे छोटे इसके रेशे बन गए हैं। ये देखें जी, हमारा पानी ड्राई हो गया और कबाब भी हमारे बॉयल हो गए हैं। ये तकरीबन इनको लगेंगे 15 मिनट, 15 मिनट्स। ये देखिए, दलिया भी हमारा गल चुका है तकरीबन। अब दलिये में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। और एक बड़ा चम्मच इसमें, जितना चम्मच आपने घी का डाला है उतना वही चम्मच आप एक गोश्त का डालेंगे, और दलिये में मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि दलिया और जो बीफ है हमारा वो यकजान हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब फिर मैं एक चम्मच ऑयल डालूंगी और फिर एक चम्मच या दो चम्मच अपना बीफ डालूंगी। चलें जी, मैंने तो दो चम्मच ही ऐड कर लिए हैं, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। चलें, अपना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अगर आप इसको घोटने से घोट सकती हैं तो इसको वेल्डन अच्छी तरह से घोटने से घोट लें, वरना मैं तो इलेक्ट्रिक बीटर से इसको मिक्स कर दूंगी, और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है उसे इलेक्ट्रिक बीटर से। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत थिक है अभी, और इसने अभी कुक होना है।
तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हमने कुक करना है ताकि ये जो दलिया और बीफ है ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट जो सा है वो डिवेलप हो जाए। चलें जी, अब हम अपना फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे इनकी कुकिंग के लिए। साथ साथ इसकी कुकिंग होगी और साथ साथ हम इसको बीटर से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो अगर आपके पास वो है मिक्सर, हम उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, यानी ब्लेंडर, ब्लेंडर जग में डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप घोटने से घोटना चाहें तो उससे भी आप अच्छी तरह से घोट सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्चें कम लगी हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आपको कम लगे तो डाल सकते हैं, ना कम लगे तो आप ना डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और अगर आप स्पाइसी और ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इस गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ये हल्का सा स्पाइसी होता है। जो इसका मेथड है उसमें ये इसकी हल्की मिर्चें होती हैं। चलें जी, ये देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखें, जब ये टेक्सचर आ जाए, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो समझे आपका ये डन हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया। ये देखें, ये मिक्स भी हो गया बड़ी अच्छी तरह से और तकरीबन हमने 15-20 मिनट इसको पकाया है। अभी भी मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी, थोड़ा सा ढक्कन बंद करके इसका इसको दम पे रखेंगे, फिर इसमें हम अपने कबाब ऐड करेंगे। लें जी, हमारा हो गया ये और अब इसमें हम अपने कबाब ऐड कर देंगे। कबाबों को मिक्स करते हैं। लें जी, हमारा हरीसा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये पैन में मैंने बटर रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया। बटर जब बटर नहीं सॉरी देसी घी है, ये देसी घी जब कड़कड़ा आ जाए तो इसमें हम तड़का लगा देंगे। ये है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके ऊपर आप जो स्प्रिंकल करके खाएंगे तो ये आपको बहुत टेस्ट देगा। ये जी, ये हमारा देसी घी कड़कड़ा आ गया तो अब इसमें तड़का लगा देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।